हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेटीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और पी वीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु जयसुधा, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मिड माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलापति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाभन के रूप में हैं और जयसुदाम सुधा राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजय और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दिल राजू और शिरीष द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वो दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जम ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का
अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार, प्रभु, जयसुधा, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मिड माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलपति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम, बुल्लारी और दल लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश JP के रूप में प्रकाश राजे और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दिल राजू और शिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में
परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जोन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSIM सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है वारिस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिस एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु जय सुधाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलापति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और दल लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023
2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं, जय प्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजय और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वंशी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देर राजू और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जॉन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है वारिसो। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसो एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वंशी पेडीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सिरीश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु, जय सुदाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक
बिजनेस मिड माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलापति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजय और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दीर्राजु और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडिपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वो दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जॉन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2000
एक काम उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसो। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसो एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार, प्रभु, जयसुधा, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में है। यह फिल्म एक बिजनेस माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलपति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम, बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसो को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश JP के रूप में प्रकाश राजे और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देर राजू और शिरीष द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने काम के निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था।
जॉन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेटीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार, प्रभु, जय सुधाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलापति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और दल लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्ना बन के रूप में हैं और जय सुदाम सुदाम राजेंद्रन के रूप में हैं। जय प्रकाश JP के रूप में प्रकाश राज और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं
फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वंशी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत धीर राजू और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें कि फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जॉन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसो। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसो एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वंशी पेडीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सिरीश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार प्रभु, जय सुधाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलापति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था।
संगीत थमन एस दौरान रचित है, छायांकन कार्तिक पलानीन द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन, पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदा राजेंद्रन के रूप में हैं, जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजय और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देवराजु और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडिपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वो दो रूप से खेलेंगे क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जॉन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSIM सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है वारिसु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरी और
आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और पी वी पी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु जयसुदा, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मिड मैग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलपति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और दल लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजे और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दिल राजू और शिरीष द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने काम के निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जम ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 अप्रैल
10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसो। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसो एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है, आर शरद कुमार, प्रभु, जय सुधाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में है। यह फिल्म एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलापति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और दल लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसो को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्ना बन के रूप में हैं और जय सुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जय प्रकाश JP के रूप में प्रकाश राज और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देर राजू और शिरीष द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि
वो दो रूप से खेलेंगे क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जो ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है वारिसो। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसो एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामश्री पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार प्रभु, जय सुधाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलपति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसो को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में R. शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर
आनंद पन्ना बन के रूप में हैं और जय सुदाम सुदा राजेंद्रन के रूप में हैं, जय प्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राज है और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देर राजू और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जम ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सिरीश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार प्रभु जय सुदाम प्रकाश राज श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत की गई थी।
क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजे और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दीर राजू और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने काम के निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जो ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSIM सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था।
सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसो। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसो एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार, प्रभु, जय सुधाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मिड माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलापति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और दल लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसो को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाभन के रूप में हैं और जय सुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जय प्रकाश JP के रूप में प्रकाश राज और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दिल राजू और शिरीष द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जॉन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के
लीन प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसो। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसो एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार प्रभु, जय सुधाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलपति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसो को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश JP के रूप में प्रकाश राज और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दिल राजू और शिरीष द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस
वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजना को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 1.8 मतलब 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वो दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जो ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है, और शरद कुमार प्रभु, जयसुदाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में है। यह फिल्म एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलपति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और
24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नावन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं, जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजे और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वंशी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दीर्राजु और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने काम के निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जम ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो वंशी पेडीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु, जय सुदाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक
बिजनेस मिड माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलापति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और दल लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं, जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजय और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देर राजू और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था, जो ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2000
एक काम उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसो। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसो एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो वामसी पेटीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है, और शरद कुमार प्रभु, जयसुधा, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मिड मैग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलपति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसो को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुधा राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश JP के रूप में प्रकाश राज और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देर राजू और शिरीष द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था।
जम ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार प्रभु जयसुदाम प्रकाश राज श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नावन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश JP के रूप में प्रकाश राजे और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं।
वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वंशी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दीर्राजु और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने काम के निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जो ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वंशी पेडीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार प्रभु जय सुधाम प्रकाश राज श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलापति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में
छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज़्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस दौरान रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन, पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुधा राजेंद्रन के रूप में हैं, जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजय और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देर राजू और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जॉन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है वारिसु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं।
वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामश्री पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और पी वी पी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार प्रभु जयसुधाम प्रकाश राज श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मिड मैग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलापति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुधा राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजय और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दिल राजू और शिरीष द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जम ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और
23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार प्रभु जयसुदाम प्रकाश राज श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मिड माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलपति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश JP के रूप में प्रकाश राजे और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दिल राजू और शिरीष द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने काम के निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को
स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे। कान भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था, और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जो ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया, और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है वारिस। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिस एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु जय सुधाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलापति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और दल लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो
विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जय सुदाम सुधा राजेंद्रन के रूप में हैं, जय प्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राजय और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वंशी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देर राजू और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जॉन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसो। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसो एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वंशी पेडीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और सिरीश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु, जय सुधाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के
बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलापति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदा राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राज और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देवराजू और सिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पोलीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जम ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी।
IWBM ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेटीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है और शरद कुमार प्रभु, जयसुदा, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस मिड मैग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थाई शीर्षक थलपति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नाबन के रूप में हैं और जयसुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जयप्रकाश JP के रूप में प्रकाश राजे और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत देर राजू और शिरीश द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडीपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वह दो रूप से खेलेंगे, क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जो ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ।
प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बारिश। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरि और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु जय सुदाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म एक बिजनेस माइग्रेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उनके उसके पिता के बिजनेस का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाइयों को निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलापति सक्सेस के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66 फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम में बुल्लारी और दल लद्दाख में छिटपुट शूटिंग के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्र समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ की कमाई की और 24 नवंबर 2023 तक 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र, दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना और राजेंद्रन पलानी सामी के रूप में आर शरद कुमार, प्रभु डॉक्टर आनंद पन्ना बन के रूप में हैं और जय सुदाम सुदान राजेंद्रन के रूप में हैं। जय प्रकाश JP के रूप में प्रकाश राज और श्रीकांत जय राजेंद्र के रूप में हैं। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा टाइटल की गई थी। वामसी पोलीपल्ली द्वारा निर्देशित यह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत दिल राजू और शिरीष
द्वारा निर्मित पहली तमिल फिल्म है और पुडिपल्ली की ओजान 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म है। पेदीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 118 करोड़ दिए गए थे का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह फिल्म बताया गया था कि वो दो रूप से खेलेंगे क्योंकि फिल्म को अलग अलग समय अवधि में सेट की जाएंगे। बात करें कि फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग के लिए उद्घाटन पूजा समारोह 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था और उसके बाद पहले शेड्यूल का फिल्मांकन किया गया था। जॉन ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में एक फिल्म सिटी में विशेष रूप से निर्मित सेट पर हुआ और 15 अप्रैल को पूरा हुआ। प्रारंभ में 75% शूटिंग हैदराबाद में करने की योजना थी, लेकिन विजय ने स्थानीय FEFSI सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए प्रोडक्शन को चेन्नई में रहने का अनुरोध किया और निर्माता कथित तौर पर सहमत हो गए। इसके बावजूद हैदराबाद शेड्यूल 3 मई को शुरू हुआ और 23 मई तक समाप्त हुआ। बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 को से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल प्रीमियम के लिए निर्धारित है। वही बात करें मूवी के लीगल इश्यूज के बारे में, तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हाथियों का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWIN से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उसके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।